आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्या, मार्किंग एंड मार्किंग टेबल, मार्किंग ऑफ एंड मार्किंग टेबल। ठीक है, तो मार्किंग ऑफ मतलब होता है निशान लगाना। ठीक है, निशान लगाना मतलब इसका मतलब ये कि हमको जो भी काम करना है, तो कोई भी काम करना होता है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। सबसे पहले उसके पहले क्या करते हैं, एक लेआउट तैयार करते हैं, फिर उसके बाद लेआउट तैयार करने के बाद क्या करते हैं, उस पर हम मार्किंग करते हैं। ठीक है ना, लेआउट तैयार करना या मार्किंग करना बात सेम है। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, पंच बताया था, तो पंच में क्या किया था हमने कि उसमें जाने थे कि मार्किंग किससे करते हैं हम। ठीक है, तीन टाइप के पंच मेनली हमने वो देखा था उसमें, वैसे तो बहुत सारे देखा था लेकिन तीन हम मार्किंग के लिए हमने तीन दिखा था। सबसे पहले क्या था, प्रिक पंच था, डॉट पंच था और सेंटर पंच था। तो एक चीज याद रखना है, प्रिक पंच का यूज जो हमने किया था सॉफ्ट शीट मेटल में कर रहे थे। ठीक है, मार्किंग करने के लिए यूज नहीं कर रहे थे उसका। मेनली हमारा जो था मार्किंग करने के लिए किस पंच का यूज कर रहे थे हम, डॉट पंच का। डॉट पंच से हम क्या गवाही मार्क बनाते हैं, गवाही मार्क मतलब विटनेस मार्क, विटनेस। ठीक है, विटनेस मार्क बनाते हैं ना। तो एक चीज याद रखना है, प्रिक पंच का यूज मार्किंग करने के लिए नहीं किया जाता है, किसका किया जाता है, डॉट पंच का। और इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ओके, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्किंग ऑफ क्या होता है, समझ रहे ना, कि मार्किंग ऑफ क्या होता है, निशान लगाना। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी देखा होगा आपने कि जैसे आप कोई घर बना रहे हैं, घर का पहले लेआउट तैयार होता है, फिर उस पे मार्किंग करते हैं कि यहाँ पिलर होगा, ये होगा, पहले नक्शा आता है ना हमारे पास किसी भी चीज का, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो वैसे होता, वो क्या है, माइंड में आता है, देन उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, कागज में करते हैं, कागज में एक ड्राइंग बनाते हैं ना, ड्राइंग आपने देखा होगा, कागज में ड्राइंग बनती है, उसके बाद वो एक्चुअल में उसको टेक्नीशियन पढ़ के बनाता है, मार्किंग करता है फिर। ठीक है, तो इसको ऐसा ना, इसको ऐसा समझे कि आप कहाँ जाते हैं कपड़ा सिलवाने, टेलर, क्या दर्जी। तो दर्जी क्या करता है, सबसे पहले दर्जी क्या करेगा, आपकी माप लेगा, लेता है ना, फिर उसको लिख लेता है, फिर जब उसको आप कपड़ा देते हैं तो वो आपकी जो माप लिया है, जो मेजरमेंट लिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कपड़े पर क्या करता है, लाइन खींचता है ना, लाइन खींचता है, फिर लाइन के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, कपड़े को काटता है कैंची से। ठीक है, और फिर आपका कपड़ा बन के तैयार हो जाता है। तो सॉरी, इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही होता है, कुछ इंजीनियरिंग में हमारे को किसी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी जॉब बनाना है। ठीक है, जॉब बनाना है हमारे को, जॉब बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका उसका हमारे मेजरमेंट आएगा, उसकी क्या आएगी, हमारे पास ड्राइंग आएगी, ड्राइंग आएगी ना, ड्राइंग आएगी, यानी उसका एक ब्लूप्रिंट आएगा, उसको देखकर हम क्या करेंगे, वर्क पीस जो हमारे को जॉब बनाना है उसके ऊपर हम उसकी मार्किंग करेंगे, जॉब के ऊपर उसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, हम उस पे मार्किंग कर लेंगे। मैंने पहले बताया था कि मार्किंग करते हैं हम तो क्या होती है, मार्किंग कहीं भी हम उसको छूते हैं या कोई कंपोनेंट लगता है या टूल लगता है, एक जॉब होगा, वर्क पीस होगा, यानी मेटल का पीस होगा, वही जॉब होगा ना हमारा, मेटल पीस होगा, जो उस पे हम क्या कर दिए, हमने मार्किंग कर दी। मार्किंग किससे किए थे, एक टेम्परेरी मार्किंग किए थे, टेम्परेरी मार्किंग किससे किए थे हमने, वर्नियर हाइट गेज के थ्रू किए थे टेम्परेरी मार्किंग। अब क्या होती है, वो टेम्परेरी मार्किंग मिट जाती है, कहीं हमारे हाथ लग रहा है, कहीं मशीन का कुछ लग रहा है, ये लगा तो मिट जाएगी। अब जब वो खत्म हो जाएगी तो हम कैसे करेंगे कि ये क्या बनाना था इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हमने स्क्राइबर से मार्किंग कर लिया, देन उसके बाद उसको उस टेम्परेरी मार्किंग को परमानेंट करना है हमको, तो हम किससे करेंगे, डॉट पंच के थ्रू, कि हमको कहां कहां पर क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट पंच के थ्रू मार्किंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, परमानेंट करने के लिए, परमानेंट करने के लिए करते हैं ना डॉट पंच से। तो जिस स्थान पर जो ऑपरेशन हमको करना है उसके लिए जो किया जाता है, जो काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, मार्किंग, जो लेआउट पर जो काम किया जाता है। जैसे देखो, ये देखो हमने क्या किया था, परमानेंट टेम्परेरी मार्किंग की थी, टेम्परेरी मार्किंग से हमने ये लेआउट तैयार किया, क्या समझो। अब ये क्या होगी, ये मिट सकती है,
इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पर डॉट पंच के थ्रू, ये यहाँ पर ये देखो ये, इससे हमने डॉट पंच के थ्रू इसको परमानेंट कर दिया गया। इसी को बोलते हैं निशान लगाना, ताकि जब हम कोई भी ऑपरेशंस करें, जैसे क्या करना होगा हमारे को, कटिंग करनी है, तो उसके दौरान हमको क्या हो सके, इससे एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस मिल सके कि हमको यहाँ से काटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्किंग में हम आउटलाइंस बनाएंगे, सेंटर लाइन बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, सेंटर लाइन होंगी, फिर क्या होंगे, सेंटर पंच से जहां ड्रिल करना है उसके लिए ये करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं वहां पर। ठीक है, उसी को बोलते हैं निशान लगाना, या विटनेस मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये सब काम करने से पहले क्या क्या करना है। तो सब ये काम करने से पहले आपके पास एक चीज होगा, ड्राइंग होगी उस प्रोडक्ट की, होगी ना, जो भी जॉब बनाना है आपको उसकी ड्राइंग होगी, होगी ना। तो उस ड्राइंग को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ड्राइंग को पहले से अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी डायमेंशंस पता कर लेनी किस किस टाइप की होती है। देन उसके बाद उसके ब्लूप्रिंट को और अच्छे से देखें, उसके टॉलरेंस के अकॉर्डिंग क्या रखें, टूल्स का चयन करें। ठीक है, टॉलरेंस दिया होगा ना वहां पर, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, यदि आपको टॉलरेंस कितना दिया है, प्लस माइनस 0.02 दिया हुआ है एमएम में, और आपने क्या चूज कर लिया, अपना स्टील रूल चूज कर लिया, तो गलत हो जाएगा ना, टॉलरेंस जोन तो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या वर्नियर हाइट गेज चूज करना था। तो ड्राइंग में सब चीज दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चूज करना है। ठीक है, टूल्स चूज करना है। पंच किससे करना है, मैंने पहले बोला पंच हमको किससे करना है, डॉट से, डॉट पंच से करना है, डॉट पंच से। और डॉट पंच से जब हम पंचिंग करेंगे, तो हमको क्या याद रखना है कि इस पंच के बीच की दूरी, दो दो पंच के बीच की दूरी, जैसे ये दो पंचिंग की हमने, इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 mm के बीच होनी चाहिए। ओके, इनके बीच की दूरी 3 से 5 mm के बीच, 3 से 5 mm होनी चाहिए। और यदि आपको ड्रिल करना है, ड्रिल करना है, तो ड्रिल का जहां पर मेन सेंटर होगा, सेंटर किससे मारना है आपको, सेंटर पंच से। ठीक है, जैसे ये यहां पर मेरे को ड्रिल करना है, तो मैं सेंटर पंच से यहाँ निशान मारूंगा, और यदि इसके आसपास सर्कमफ्रेंस में अगर आपको और पंचिंग करनी है, तो आपको 4 पंच यहां मारने होंगे, एक यहां मार देना, एक यहां मार देना, एक यहां और एक यहां। ये किससे करना है, देखो बीच वाला सेंटर पंच से करना है, और राइट साइड वाले जो पंच है ये किससे करेंगे, हम डॉट पंच से करेंगे, ये याद रखना अपने, डॉट पंच से। ठीक है, डॉट पंच से हम करेंगे। तो मार्किंग मार्किंग आप समझ में आया कि क्या होता है, तो ये काम हमको करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या, मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल एक टेबल के ही जैसे होगी, लेकिन टेबल से जस्ट डिफरेंस होगी। जैसे अभी हमने बात की, एक अभी हमने देखेंगे, आगे देखेंगे सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का ही एक ये बड़ा रूप है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। सरफेस प्लेट में क्या होगा, छोटे जॉब के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मार्किंग ऑफ टेबल का यूज क्या किया जाएगा, बड़े जॉब के लिए यूज किया जाएगा। मार्किंग ऑफ टेबल एक टेबल की तरह ही दिखती है, लेकिन ये क्या होती, हाईली फिनिश्ड होती है। हाईली फिनिश्ड, इसकी डायमेंशन जो होगी हाई फिनिश्ड एक्यूरेसी के साथ होगी। और इस पे एक चीज और याद रखना है, इस पे आप लाइन देख रहे होंगे, लाइन नजर आ रही है क्या, देखिए लाइन दिख रही होंगी, इस पे लाइन होती है, 90 डिग्री पे लाइन बनी होती है। ये लाइन यहाँ पर क्या होती है, गड़ी हुई, एकदम खिंची हुई नजर आती है। ये लाइन इसमें किस लिए होती है, ताकि हम कभी किसी जॉब को सेट करें तो पर 90 डिग्री पे वो सेट हो सके। और इसके जो एज होंगे, ये जो नजर आ रहा है ना, ये एज, ये यहां से ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे और हाईली एक्यूरेसी के साथ फिनिश्ड होंगे। ठीक है, और ये बहुत मजबूत और रिजिड भी होती है। ओके, इसका यूज मेनली कहाँ किया जाएगा, जब बड़े जॉब को आपको मार्किंग करनी है तब इसका, और इवन जॉब क्या, इवन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको सेटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, कुछ एंगल्स की सेटिंग के लिए किया जाता है, कभी आपको किसी चीज को समांतर नापना है उसके लिए भी यूज किया जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों का मार्किंग के लिए तो किया ही जाता है। देखो जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये सरफेस गेज है, सरफेस गेज को रख के इस पे हम मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज याद रखना है कि ये बनी काहे की होती है, ये बनी होगी कास्ट आयरन और ग्रेनाइट की बनी मिलेगी। ठीक है, ओके, बस इसमें इतना ही है।
अब इसके केयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो केयर एंड मेंटेनेंस जो होगा आपको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद सबसे पहले साफ करना है। कोई भी टूल्स यूज कर रहे हैं आप तो उसको साफ करना है। और ये चूंकि कास्ट आयरन की बनी होती है तो इसको यूज करने के बाद एक थिन पतला सा ऑयल उसके ऊपर लगाना है, ठीक है, और यूज करने के बाद एक सॉफ्ट कपड़े से इसको साफ करना है। ओके, इतना ये केयर एंड मेंटेनेंस में। और इसको हाँ, साफ करते रहोगे तो ये डैमेज से और रस्ट से बचा रहेगा। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इसमें इतना ही और कुछ नहीं है।